कोरोना वायरस से इन दिनों पूरा देश परेशान है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक वन में कई शर्तों के साथ दुकानें खोली गईं और आवागमन भी शुरू किया गया, लेकिन ऑटो किराया ज़्यादा होने की वजह से रोज काम पर जाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिहाड़ी मजदूर साइकिल खरीदना चाहते हैं ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन ट्रांसपोर्ट की आवाजाही नहीं होने से साइकिल दुकानें भी ठप पड़ी हैं, क्योंकि नई साइकिल एक राज्य से दूसरे राज्य तक नहीं जा पा रही, जिससे दिहाड़ी मजदूर साइकिल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को आवागमन में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ रोजगार की समस्या भी जस की तस है, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर ग्रामीण क्षेत्र या शहर से कोसों दूर रहते हैं और रोज़ कमाने के लिए उन्हें शहर आना पड़ता है, लेकिन सवारी नहीं होने से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल की बिक्री अभी हेल्थ कॉसेस के लेके काफ़ी लोग इंक्वायर्ड हैं एंड चिंतित हैं। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए साइकिल एक अच्छा विकल्प है, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे इसलिए एक बहुत अच्छा विकल्प है साइकिल। हमारे यहाँ लाइट साइकिलें बिकती हैं, जिसे आप एक घंटे डेढ़ घंटे के दरमियान 50-60 किलोमीटर चला के ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। सो दैट हमारे यहाँ तो इस तरह की साइकिलें सेल हो रही हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। इंक्वायरी अधिक आ रही है, साथ में थोड़ी बिक्री की परसेंटेज भी बढ़ी है, बट जैसा आगे लगता है कि आने वाले समय में लोग अपने हेल्थ के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं कि साइकिल की बिक्री बढ़नी चाहिए। ये सेल में तो एक तरह से इजाफा हुआ है, लेकिन बोला जाए तो लुधियाना से माल अभी आ नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ पे कंपनी द्वारा बोला जा रहा है कि लेबर है नहीं, ट्रक वाले माल ले जाना नहीं चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग ग्राहक को वैराइटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वही हो पा रही है। पूरे देश भर में लॉकडाउन 4.0 तक होने के बाद अब अनलॉक 1.0 शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे, अगर बात करेंगे राजधानी रांची की, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ राज्य सरकार ऑटो रिक्शा ई रिक्शा के चलाने की तो अनुमति दे दी गई है, लेकिन अब ऑटो रिक्शा वही चल रहे हैं जिनको परमिट दिया गया है, और ई रिक्शा की बात करेंगे लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है उनके लिए काफ़ी खास परेशानी हो रही है, क्योंकि वो अब कहाँ से 60 रुपये से 120 रुपये तक अपने ऑटो को रिजर्व करें और उस माध्यम से शहर में रोजगार के लिए पहुँचे, लेकिन इसके लिए साइकिल एक माध्यम है। हमने साइकिल दुकान में जाके पूछा कि साइकिल की क्या बिक्री बढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ दिहाड़ी मजदूर तो उनके लिए इंक्वायरी के लिए आते हैं, लेकिन वो दिहाड़ी मजदूर जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन ऑटो रिक्शा और जो नहीं चलने के कारण उन्हें साइकिल ले जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरा सहयोगी शशि के साथ मनीष झा, ओंकार वामी, रांची।